आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए सीनोमेट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइलम इज, तो यहाँ पर बात की गई है ए सीलोमेट की। तो ए सीलोमेट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बॉडी कैविटी होती है एब्सेंट, क्योंकि सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी एब्सेंट जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है वो होते हैं फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा टिल द फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स। नेक्स्ट बोला गया है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब जहाँ पर प्रेजेंट होंगी सिर्फ दो जर्म लेयर्स। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है प्लैटीहेलमिंथ्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है ये है एक ए सीलोमेट और यहाँ पर जर्म लेयर्स भी हैं दो, तो ये करेक्ट है, हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में हमें गिवन है नाइडेरिया, तो जो नाइडेरियंस होते हैं उन्हें हम एज सच ए सीलोमेट कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में गिवन है एस्किहेलमिंथ्स, तो एस्किहेलमिंथ्स के केस में जो सीलोम होती है वो होती है स्यूडो सीलोम और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन में हमें गिवन है हेमिकॉर्डेटा, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक और ए सीलोमेट नहीं होते। तो करेक्ट आंसर इस केस में बनेगा ऑप्शन ए प्लैटीहेलमिंथ्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।